Shut up and sit down. Hey, good morning everyone. तो रात को हम टाबो आ गए थे, तो हमें लग रहा था हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट हमने वही कहते हैं ना, हिम्मत मददा मर्दा तो मददे खुदा। तो हमने लगभग एक घंटा रात में ड्राइव किया और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। ना कोई आगे ना कोई पीछे, एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। और अब हम रात को स्टे किया, हम लेट हो गए थे तो मैं कुछ बना नहीं पाया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं काजा के लिए। तो इट्स अमेजिंग प्लेस। ताबू में हमने मॉनेस्ट्री देखी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अब। चलो आप मिलते हैं काजा, मिलते हैं अपन लोग। और आप जब भी आए तो ताबो स्टे करें। हालांकि बीच में नाको भी पड़ता है। नाको था ना उसका ना, नाको हाइट पे है थोड़ा सा। और आप समुद्र भी रुक सकते हैं, ये एक्चुअली गांव है छोटे छोटे, तो वेर एवर यू वांट यू कैन स्टे देयर। दिस इज काजा, 46 किलोमीटर। चलो काजा में मिलते हैं। अभी हमारे पास से दो झरने गए, झरने नहीं गए, जमे हुए झरने, मतलब जो अभी ये नीचे नदी पूरी जमी हुई है। नदी है नहीं, ये भी जमी पड़ी है। अभी जिस पुल के ऊपर से गए हैं, पूरी की पूरी जमी हुई है। हम दिखाएंगे अभी आपको, और अभी हम दिखाएंगे कि आपको झरने जमे हुए और नदी जमी हुई सब दिखाएंगे। बट रोड इज टू डेंजरस। सी आगे जाके स्टीप होता जा रहा है और सीधा कर्व है बहुत तगड़ा। सी बिहाइंड मी, देख रहे हो आप झरना जो है बिल्कुल जमा हुआ है। ऐसे ही हमें जमे हुए झरने मिले थे, लेकिन देख रहे हो झरना जमा हुआ है, लेकिन हल्का हल्का जो पानी आ रहा है, इट्स वेरी कोल्ड वाटर, इट मस्ट बी अ कोल्ड वाटर, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है। ठीक है, बहुत फास्ट आ रहा है, लेकिन बिल्कुल जमा हुआ है सब कुछ। ऐसे ही हमें दो तीन झरने जमे हुए मिले थे, तो वही है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये स्पीति रिवर है हमारे साइड में, और बिल्कुल अभी ये बिल्कुल लेवल में आ गई है। Dangerous. बिल्कुल एज पे रुकी हुई थी। ये देखो रोड नहीं, यहाँ से रोड था ये सीधा नीचे ढह गया, और यहाँ से भी देखो कमजोर हो गया, ये कभी भी जा सकता है। हम गाड़ी शायद देने के लिए दरी लगानी पड़ती है। नीचे जा रहे हैं आउटस्कर्ट्स में, चांद बाबू हमें गाइड कर रहे हैं, नदी के पास जा रहे हैं, नदी के पुल पे। ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे कितना आ रहा है अब। आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई मेरे, पता चले ऑक्सीजन दिलवानी पड़े तुम्हें। काजा सिर्फ 11 किलोमीटर रह गया, और बर्फ, लदे हुए पहाड़ और जमी हुई नदी स्टार्ट हो चुकी है, दिख रही होगी आपको। जो अभी तक स्पीति रिवर चल रही थी, दौड़ रही थी एकदम 100 की स्पीड में, अब वो बिल्कुल ठहर गई है, हल्की हल्की चल रही है और जमी हुई है, पूरी की पूरी जमी हुई है। और आगे आप पहाड़ देख ही रहे हो। आ रही आवाज, सुन पा रहे हो तुम मुझे? नहीं सुन पा रहे क्योंकि स्पीति में हूँ। सांस लेने में थोड़ा सा मसला जरूर हो रहा है। अभी हमने एक रील बनाई थी तो 83 तक पहुंच गया था ऑक्सीजन लेवल, लेकिन आप व्यू देखो, इट्स वर्थ इट यार, इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट, एकदम मजा आ गया व्यू में। ठीक है, चारों तरफ तो नहीं कह सकते, इधर जिस तरफ धूप पड़ रही है उस तरफ की बर्फ पिघल गई है, और बट जिस तरफ धूप नहीं पड़ रही है, सूरज जिस तरफ से आ रहा है, पूरी बर्फ लगा हुआ है, नदी जमी हुई है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बट मैंने जैकेट उतारी है हवा को फील करने के लिए। ओ माय गॉड, क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है एकदम से। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आओ आप लोग स्पीति और इन्जॉय करो, यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ा रोड का है,
रोड का सबसे ज्यादा मजा है, ट्रैवल का सबसे ज्यादा मजा है हिमाचल में। ऑलमोस्ट 5 डेज हो गए, 7 डेज हो गए हमें, हम फ्राइडे को निकले थे, आज थर्सडे है, सब जगह घूमते हुए आ रहे हैं। बट मोस्ट अमेजिंग अब तक मुझे चितकुल लगा, सेकंड मुझे हाथू पीक लगा, थर्ड मुझे सराहन लगा, और नाउ दिस इज अमेजिंग गाइस। गाइस काजा पहुंच गए हम, इट्स 0 किलोमीटर। शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाए इस व्यू को, लेकिन जो आंखों में जो ठंडक है, बर्फ से जो ठंडक तो मिलती है, लेकिन जो नजारे से जो ठंडक मिल रही है उसकी बात ही अलग है। ये सारा आई लव स्पीति।